गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इरशाद अहमद, परीक्षा प्लस में आप सबका स्वागत है। आज जो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो रहा है उसमें समझिए कि है ब्रिटिश भू राजस्व नीति। ठीक, प्रशासनिक सुधार में के लिए ब्रिटिश भू राजस्व नीति क्या है। ठीक, तो इसको पहले समझिए कि इस चैप्टर जो हम इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ इसके बारे में बता देते हैं, कैसे क्या होता है कि ये जो इसमें बिल्कुल मत डरिएगा, इसमें क्या है नाम सुनने के बाद कैसे क्या है, तो इसमें जान लीजिए वही चीज़ पढ़ना है, अस्थाई बंदोबस्त पढ़ना है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, मालगुजारी, यही सब पढ़ना है आपको। ठीक, उसकी नीति क्या थी, भारत में कौन वो नीति स्थापित किया था, कैसे किया था, यही सब पढ़ना है। ठीक, तो आप आइए देखते हैं, थोड़ा सा आप जानिए इसको, थोड़ा सा इसको देखिए, आइए देखते हैं। ठीक ना, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक नीति क्या थी। ठीक ना, ध्यान दीजिए, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, यानी कि 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक। ठीक, क्यों, क्योंकि 1857 ईस्वी के बाद भारत में क्या होता है, जो 57 का विद्रोह होता है, उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके वो क्राउन का शासन, ताज का शासन चला जाता है। इसलिए समझिए कि पहले यहाँ तक हम जानते हैं, ठीक, क्या नीतियाँ थी, फिर 57 से लेकर के 1857-58 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश भारत की, ब्रिटिश की क्या नीति थी भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से। ठीक, अब थोड़ा सा आप जानिए इसको कि एक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, क्यों ये 57 से, ध्यान दीजिएगा, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, समझिए कि ये कहाँ पे, बंगाल में प्लासी का युद्ध, ये बंगाल सबसे समृद्ध था। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, बंगाल सबसे समृद्ध था, इसलिए समझिए कि प्लासी के युद्ध के बाद से जो अंग्रेज आते हैं भारत, अंग्रेज भारत में तो रहते ही हैं, तो उनका कदम स्थापित हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, विधिक नहीं रूप से नहीं होता है, लेकिन ये भारत में अपना अस्थायित्व तो कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है कि इनको 24 परगना की ज़मीन मिल जाती है अंग्रेजों को, तो वहाँ से भू राजस्व सुनने लगते हैं। फिर देखिए, फिर इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसके मध्य, जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा आप, जैसे आर्थिक नीति, जैसे देखिए आर्थिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक और फिर सामाजिक नीति, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की, इतना से इतना के बीच तक ये क्या किए कि समझिए कि भारत के जो लोग थे वो इनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। अब दुखी हो करके, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कारण, तीनों समझिए कि इतना बुरा प्रभाव भारत में पड़ता है, तो समझिए कि 1857 की का विद्रोह हो जाता है, 1857 का विद्रोह हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ तक पढ़ना है, फिर ध्यान दीजिएगा, तो हमको देखिए बारी बारी से क्या करना है, पहले इनका आर्थिक दृष्टिकोण पढ़ना है। ठीक, आर्थिक दृष्टिकोण में इसीलिए ना हमको ये वाला पढ़ना है, इसलिए बता रहे हैं कि भारतीय जनता में असंतोष की स्थिति आ गई थी, अभी बताएंगे कैसे कैसे आती है। देखिए प्रशासनिक दृष्टि में क्यों आती है, कि विद्रोह का कारण बनता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, और राजनीतिक सामाजिक क्यों होता है, आर्थिक क्यों होता है, तो आर्थिक ये माना जाता है भारत में आए थे, प्रथम दृष्टि आए थे व्यापार करने के लिए, व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं अंग्रेज, वो पैसा समझिए भारत से ही व्यापार करके, वो भारत से का पैसा भारत में लगा करके भारत को ये सामान बेचने लगे थे। ठीक, प्रशासनिक में देखिए कि समझिए कि डलहौजी की हड़प नीति हुई, और समझिए कि वेल्जली की सहायक संधि हुई, और समझिए कि प्रशासनिक कारण से लोग इनसे डिस्टर्ब होकर के समझ 57 की क्रांति हुई,
और समझिए कि सामाजिक दृष्टिकोण। अब सामाजिक में भी समझिए कि जैसे सैनिक, जैसे सेनाओं पे ये कहे थे कि जैसे तिलक लगाने की विवाह नीति और धार्मिक नीति, यहाँ पे सब करके ये सबका समझिए गुस्सा फूटता है 1857 ईस्वी में। तो 1857 का ये विद्रोह होता है। ठीक, सबसे पहले हम क्योंकि देखिए आर्थिक नीति पढ़ रहे हैं, ठीक, किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो हम सबसे पहले इनकी आर्थिक नीति देखते हैं। ठीक, इनकी आर्थिक नीति देखते हैं, तो आइए देखते हैं इनकी आर्थिक नीति। आर्थिक नीति किसकी, अंग्रेजों की। अब ध्यान दीजिएगा इनकी आर्थिक नीति, आर्थिक नीति ध्यान दीजिएगा, आर्थिक नीति ये पैसा मतलब वित्त बढ़ाने के लिए क्या ऐसा काम करेंगे कि समझिए कि विजय कर रहे थे, ये विजय विस्तार जब करेंगे तो प्रशासन चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक, पैसे की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। और इधर स्रोत क्या है, धन की, इधर धन की प्राप्ति, धन का, देखिए इनके पास धन की आवश्यकता तो है मगर वो धन का स्रोत कहाँ है, स्रोत कहाँ से आएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये सेना रखने लगे, तो सेना के खर्चे के लिए क्या है, क्या करेंगे कि पैसा आए, क्या इंग्लैंड से पैसा लेंगे। स्रोत में देखिए इनके पास स्रोत क्या था कि किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, शुरुआती अभी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा स्रोत क्या था, या तो ये अंग्रेज जो थे अपने यहां से इंग्लैंड से पैसा लाए। ठीक, ध्यान दीजिएगा इंग्लैंड से पैसा लाए, या कोई उद्योग भारत में लगाएं, या फिर भू राजस्व, ध्यान दीजिएगा भू राजस्व भारत में स्थापित करें, भू राजस्व वसूलें। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंग्लैंड से पैसा भारत में आ नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो महारानी थी वो डायरेक्ट कह दी थी कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप वहीं से पैसे का इंतजाम करिए और वहीं से समझिए कि आप सब कुछ करिए, जो सेना का खर्चा जो है, प्रशासनिक डिपार्टमेंट, जो भी आपको धन की आवश्यकता पड़े आप वहीं से करिए। उद्योग कोई लगा नहीं सकते थे क्योंकि अभी समझिए कि इस समय 1757 ईस्वी में 1757 में समझिए कि होता है, और 1760 के दशक में इंग्लैंड में औद्योगीकरण शुरू हो जाता है 60 में। तो शुरू में समझिए कि ये भारत में कर नहीं सकते उद्योग। अब इनके पास बस मात्र जो बचता है स्रोत वो भू राजस्व कहाँ से, ध्यान दीजिएगा इनका हमको भू राजस्व ही पढ़ना है, इनका हमको भू राजस्व ही पढ़ना है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा भू राजस्व में इनके कैसे अंग्रेज प्रोत्साहित हुए कि भू राजस्व, जब प्लासी का युद्ध जीते थे तो मीर जाफर से 24 परगना की जमीन ले लेते हैं भू राजस्व वसूलने के लिए। ठीक, अब देखिए, फिर देखिए जब बक्सर का युद्ध एक समझिए कि आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको अभी स्टार्टिंग में। ठीक, भू राजस्व कैसे बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करती है कि समझिए भू राजस्व। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा भू राजस्व, भू राजस्व एक बार आप देखिए, ठीक ना, कब से 1757 से लेकर के 1857 ईस्वी तक, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आपसे बताए ना, सबसे पहला भू राजस्व के लिए क्या करेंगे, प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है, छोटी सी जागीर एक पा जाते हैं, छोटा सा जिला पा जाते हैं 24 परगना, वहां से वसूलने लगते हैं। फिर क्या होता है, जब बक्सर का युद्ध जीतते हैं 1764 ईस्वी में, तो ये क्या करते हैं, बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद लॉर्ड क्लाइव क्या करते हैं, इलाहाबाद की संधि करते हैं। ठीक, तो अब इलाहाबाद की संधि में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो बंगाल पे होता है। ठीक, बंगाल पे होता है, समझिए कि इससे क्या होता है, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहते हैं उनसे बंगाल
बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। दीवानी का तात्पर्य है कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसको मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। ठीक, अब समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। ठीक, तो अब आपको यही जानना है कि भू राजस्व ही पढ़ना है। ठीक, अब भू राजस्व में देखिए, भू राजस्व में आपको जैसे भू राजस्व 1757 से लेकर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, सबसे पहले क्या आता है तो कि अंग्रेज इसमें क्या करें क्या ना करें भारत में वसूलने के लिए, तो वो एक नीति बनाते हैं। ठीक, वो एक नीति बनाते हैं, समझिए कि वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो समझिए कि क्या करते हैं कि जो भू राजस्व वसूलने का अधिकार था पहले 1 वर्षीय था, ये 5 साला व्यवस्था कर देते हैं वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, तो देखते हैं इसमें बहुत खामियां हैं, फिर पुनः वो 1 साल वाला कर देते हैं। ठीक, तो समझिए कि पहले, सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, ध्यान दीजिएगा, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, परमानेंट सेटलमेंट, इसमें समझिए कि क्या होता था क्या नहीं होता था अस्थाई। तो ये शुरू में देखिए, जब 1790 ईस्वी में ये समझिए कि 10 वर्ष का होता था, और समझिए कि 1793 ईस्वी में ये समझिए अस्थाई हो जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसको, इसको ध्यान दीजिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त, देखिएगा थोड़ा सा, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये महलवाड़ी बंदोबस्त। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो जागीरें इनको मिली थी, सबसे पहले बंगाल बिहार उड़ीसा, ठीक, यहाँ पे क्या है, बंगाल बिहार उड़ीसा, यहाँ की जागीरें इनको मिल गई थी। अब समझिए बंगाल पे, समझिए कि नवाबों का वो प्रभुत्व समाप्त हो जाता है, अब ये समझिए पूर्ण रूप से अपना शासन करने लगते हैं। ठीक, तो अस्थाई बंदोबस्त में यही था कि जो इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो इसमें ये पूछेगा इसका भू स्वामी कौन था, अस्थाई क्यों नाम पड़ गया था, ये कहे थे कि हम अस्थाई करेंगे, लेकिन नीतियाँ समझिए कि इनकी गलत थी, किसकी, अब जो कौन लाता है। ठीक, तो इस समय भारत के, समझिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं कार्नवालिस। ठीक, सबसे पहले देखिए, स्थान, स्थान बंगाल बिहार उड़ीसा, ठीक, बंगाल बिहार उड़ीसा वाराणसी, अब ऐसे करके क्षेत्रों में था। ठीक, स्थान कहाँ था, ये क्वेश्चन पूछ देगा, इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक, ये देखिए, फिर इसमें ये कहा गया कि जो ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कर किसको जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, तो इसके मध्य, ये नीचे किसान है, ये नीचे किसान है, किसान का काम है खेती करना, किसान का काम है खेती करना, वो अपने भी जमीन पे खेती कर सकते हैं और किसी और के भी खेती, मतलब जमीन पे खेती कर सकते थे, लेकिन जो जमींदार होता था, जमींदार के पास अपना, अपनी भूमि होती थी। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में किसान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक, तो एक जमींदार थे, जमींदार थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान के मध्य कोई सेटलमेंट नहीं हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान के मध्य कोई सेटलमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि सेटलमेंट किससे हुआ था, उस जमींदारों से हुआ था। ठीक, इनसे कोई मतलब नहीं था, किसान कितना उपजा रहे हैं कितना नहीं उपजा रहे हैं, ठीक, इनसे मतलब था जमींदार से, और जमींदार समझिए कि किसानों से, जो एक, ये भी किसान है, ये भी किसान है, ये भी किसान है, सबसे किसान में एक कर वसूल करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजते थे। ठीक, अस्थाई कर होता था, चाहे अकाल आए चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी पड़े, वो कर आपको उतना देना ही पड़ेगा, फिक्स था। ठीक, तो जमींदार एक कर वसूल लेते थे, जब ध्यान दीजिए, जमींदार जब कर, मान लीजिए 100 रुपया वसूल लिए जमींदार, तो क्या करते थे कि ये 100 रुपया में से 89 रुपया, ध्यान दीजिएगा 89%, ठीक, वो समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजते थे, और 11 रुपया 11% वो जमींदार अपने पास स्वयं रखते थे। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस सेटलमेंट में जो
अस्थाई जो परमानेंट सेटलमेंट है किससे हुआ था, तो जमींदारों से हुआ था। इसलिए अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा या इस्तेमेदारी प्रथा भी कहा जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए किसानों से संबंध था ईस्ट इंडिया कंपनी से, नहीं था, तो इसलिए समझिए कि ये किसान समझिए कि बहुत ज्यादा इनसे रुष्ट हो गए, किससे, जमींदार से, जमींदार से। तो अपना कर समझिए कि बताते थे, बताने लगे कि जैसे ये किसी के रिश्तेदार हो गए कि जमींदार, किसी के जानने वाले, अच्छे से जानने वाले होंगे, तो वो कर पूरा नहीं देते थे, तो यहाँ पे नहीं पहुँचता था। अब किसान लास्ट में बगावत करते हैं, लास्ट में बगावत कर देते हैं किससे, जमींदार से, कि अब हम आपको कर नहीं देंगे। ठीक, कर नहीं देंगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत हैं, महारानी के रैयत हैं, हम कर जो है सिर्फ और सिर्फ महारानी को, कंपनी को देंगे, डायरेक्ट देंगे। तो इसके बाद इसलिए यह व्यवस्था असफल हो जाती है और ये बंद हो जाती है। फिर इसके बाद आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है। तो अस्थाई बंदोबस्त में एक समझिए कि 1793 एक्ट द्वारा, अब आता है 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून, वो अस्थाई बंदोबस्त का पार्ट है। ध्यान दीजिए, सूर्यास्त कानून वो होता था कि जो डेट फिक्स की गई रहती है। ठीक, जो डेट फिक्स है, जैसे मान लीजिए आपको टैक्स देना है 1 जनवरी को, तो उस दिन 1 जनवरी को आप सूर्य ढलने से पहले तक आप जमींदार को टैक्स दे करके पहुँचवा देंगे, यानी कि आप उस दिन सूर्य ढलने से पहले तक आप कर चुकता कर देंगे। अगर नहीं चुकता करेंगे तो जमींदार से वो भूमि वापस ले ली जाती थी इनसे, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस ले लेती थी। ठीक, तो इसके मारे ये असफल हो गया। और इसमें समझिए कि जो क्वेश्चन आता है तो वो समझिए कि ऐसे ही आता है, अभी हम सब बताएंगे, अभी आप बेसिक एक फॉर्म समझिए कि इनका जो संबंध था ईस्ट इंडिया कंपनी का किसान से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं था। ठीक, अब आइए, अब इसको हम बताएंगे, ठीक ना, अभी बस वैसे आपको समझा रहे हैं। ठीक, आइए अब देखिए जो दूसरा है, दूसरा है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, रैयतवाड़ी, रैयत मतलब होता है किसान। ठीक, रैयत मतलब होता है किसान, यानी यहां पे किसान डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम और सिर्फ कंपनी के महारानी के रैयत हैं, बीच में जमींदार उम्मीदार मध्यस्थता को हम कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता था, जो भूमि का स्वामी हो गया, जो भूमि का, जहाँ वहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जमींदार होता था, यहाँ पे भूमि का स्वामी, भूमि का स्वामी का तात्पर्य मालिक, यहाँ पे भूमि का स्वामी किसान हो गया, किसान हो गया। ठीक, तो यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त था ये, जो समझिए कि बंदोबस्त था वो किसान से डायरेक्ट था। ठीक, किसान से डायरेक्ट समझिए था, ये समझिए कि इसमें यह था कि 2 कर निर्धारण किया गया था, 60% और 40%। जो उपजाऊ भूमि होती थी वहाँ से 60% लिया जाता था, जो समझिए कि थोड़ी सी कम होती थी वहाँ से 40% लिया जाता था, कि यानी कि ओवरऑल 50% कर लेता लिया जाता था, वो भी नकद रूप में। ध्यान दीजिएगा, नकद रूप में लिया जाता था कर। ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक भारत में, इसके संस्थापक कौन है, ठीक ना, इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक समझिए कि कैप्टन रीड हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक जो हैं वो कैप्टन रीड हैं। और समझिए कि ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र रैयतवाड़ी मद्रास कर्नाटक यानी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ठीक, अभी आप बताएंगे आपको। ठीक, फिर जैसे देखिए कि ये भी व्यवस्था असफल हो जाती है, और ये समझिए कि सर्वाधिक क्षेत्र पर 51% भूभाग पे, 51% भूभाग पे ये समझिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अगर समस्त भूमि का, कृषि योग्य भूमि मान लीजिए 100 बिस्से है, तो 51 बिस्से पे समझिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू है। ठीक, तो अस्थाई, ध्यान दीजिएगा, वहाँ अस्थाई देख लीजिएगा, अस्थाई व्यवस्था मात्र 19% क्षेत्र पे था। ठीक, अब आता है कौन सा, ठीक, अस्थाई, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक, तीसरी व्यवस्था महलवाड़ी, महलवाड़ी में ध्यान दीजिए कि समझिए कि उसमें कौन है,
तो समझिए कि वो क्षेत्र अपना अपना अवध आता है, पंजाब आता है, आगरा आता है, ठीक। तो उत्तर भारत में समझिए कि उत्तर भारत में कौन लाते हैं, एक मार्टिन बर्ड साहब रहते हैं। तो मार्टिन बर्ड को समझिए उत्तर भारत में कृषि का जन्मदाता कहा जाता है, और वही मार्टिन बर्ड हैं जो चित्र, जो मतलब भूमि पैमाइश के लिए चित्रशाला की स्थापना करते हैं, ठीक। अब वो समझिए कि महलवाड़ी पद्धति में क्या होता था, ध्यान दीजिएगा, महलवाड़ी महलवाड़ी महलवाड़ी, ठीक। इसमें क्या होता था, इसमें भूमि स्वामी समस्त गांव ग्राम समूह, पूरा ग्राम समूह होता था, ठीक ना। पूरा पहले देखिए जमींदार, जमींदार के नीचे किसान, दूसरे में किसान हुए, तीसरे में पूरे हो, मतलब ग्राम समूह ही भूमि स्वामी कौन हो गया, पूरा गांव ही भूमि का मालिक है, ठीक। पूरा गांव ही भूमि का मालिक है, ठीक। तो ये समझिए एरिया कहाँ है, अभी सब बताएंगे एरिया कहाँ। महलवाड़ी पद्धत सब समझिए कि पद्धत सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, ठीक। अब देखिए जो एक मार्टिन बर्ड थे, आपसे बताए थे ना मार्टिन बर्ड, ये समझिए कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये समझिए क्या करते हैं, चित्रशाला मापने भूमि पैमाइश के लिए चित्रशाला की व्यवस्था करते हैं। और इन्हीं मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में कृषि का जन्मदाता कहा जाता है, मार्टिन बर्ड को, ठीक। मार्टिन बर्ड को चित्रशाला कहा जाता है। अब समझिए कितने क्षेत्र पे, कितने एरिया पे ये होता है, तो ये 30% भूभाग पे होता है, ठीक। तो अब आइए आपको देख आप देखिए अब एक एक करके सब पार्ट आप देखिए कैसे क्या होता है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, देखिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, बाकी फैक्ट तो सब जगह से मिल ही जाएगा। वैसे फैक्ट हम इतना ज़्यादा बता देंगे कॉन्सेप्ट के साथ कि आपको समझिए किसी भी बुक की ज़रूरत इस वाले चैप्टर में नहीं पड़ेगी, ठीक। आइए राजस्व प्रशासन, ठीक। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब बक्सर का युद्ध होता है तो इलाहाबाद की संधि, ठीक, इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, ठीक। दो लोगों की संधि होती है, 12 अगस्त को और 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। पहले संधि होती है शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह जो भारत के शासक होते हैं, समझिए कि शाह आलम द्वितीय, उनसे संधि होती है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, ठीक। क्लाइव क्या करते हैं कि समझिए ये क्या करते हैं कि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का तात्पर्य है कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार अब कंपनी को दे दिया गया, ठीक। किसके द्वारा, 1765 की संधि के द्वारा। उस संधि में कौन समझिए कि दिया था, शाह आलम द्वितीय, ठीक। ध्यान दीजिएगा, क्लाइव ने सर्वप्रथम एक वर्षीय राजस्व बंदोबस्त लागू किया। ध्यान दीजिएगा, जो क्लाइव था वो कहा था कि हर साल उपज के हिसाब से समझिए कि बंदोबस्त होगा, मात्र एक वर्षीय होगा। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स साहब आते हैं, वारेन हेस्टिंग द्वैत शासन को समाप्त करने वाले, रेगुलेटिंग एक्ट को लाने वाले, ठीक, जब वो आते हैं तो वो कहते हैं नहीं, एक वर्ष में क्या हो जाएगा, अब इतना हमारे पास कर्मचारी नहीं है कि हर वर्ष जा करके उनका वो मतलब माप करें, पैमाइश करें कि आप कर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी उतना पैसा नहीं है। तो ये क्या किए हैं कि समझिए कि उसको पंचवर्षीय पंचशाला व्यवस्था कर देते हैं। कौन, वारेन हेस्टिंग। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, पंचशाला व्यवस्था कौन लागू किया था, तो वारेन हेस्टिंग साहब लागू किए थे, ठीक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज, वारेन हेस्टिंग अगर आ जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर, गवर्नर के नाम ले रहे हैं, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर, ये सब हम बताएंगे, अंतिम गवर्नर। तो ये वारेन हेस्टिंग साहब बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, ध्यान दीजिएगा, गवर्नर थे और प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, कौन, हेस्टिंग, ठीक, हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के वारेन हेस्टिंग, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। फिर बाद में इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर के आगे जनरल लगा दिया गया, ठीक, बंगाल का। तो ठेकेदार को 5 वर्ष के लिए दिया जाता था, ठीक, इसलिए ठेकेदारी पर था। अभी भी समझिए कि फार्मिंग व्यवस्था ठेकेदारी पे, अभी भी समझिए कि जो किसान बिल चल रहा है उसमें ये भी दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर दिया गया है। तो जो इसी पे विरोध हो रहा है कि सबसे बड़ा कारण यही है
कि किसान उपजाता है कुछ में, और वही सामान समझिए कि मक्का का एक भुट्टा जान लीजिए जो होता है, वो समझिए कि अभी माल में जाइए खरीदने तो एक भुट्टे की कीमत रहती है कम से कम 30 रुपये, और किसान कितने में बेचता है, 1 रुपये या 2 रुपये में। तो इसी पे समझिए कि किसान आंदोलन में जो विरोध हो रहा है इस पे भी एक बिल में ये भी है, ठेकेदारी यानी कि हमारी मतलब किसानों की भूमि ठेके पे दे दी जाएगी किसी को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कृषि। ठीक, आइए फिर देखिए 1772 ईस्वी में अन्न व्यवस्था सालाना बंदोबस्त प्रारंभ कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, सालाना कौन करते हैं, पहले देखिए जो वारन हेस्टिंग साहब रहते हैं पहले 5 वर्ष करते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है फिर वो 1 वर्ष ही कर देते हैं। ठीक, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू राजस्व विभाग की स्थापना की गई थी 1786 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। अब ध्यान दीजिए राजस्व यानी कि अब समझिए कि अंग्रेज जो हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब समझिए कि भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुकी। ठीक, क्योंकि जो सदस्य आ रहे थे वो समझिए कि पूर्ण रूप से अब यहीं पे अस्थाई बस रहे थे। ठीक, संग्रहण किया जाता, देखिए आगे चल के अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण, आपको बताया था ना आर्थिक नीति जब ये स्ट्रक्चर शुरू में बताए हैं तो आर्थिक नीति में हमें जो पढ़ना है इनका भू राजस्व ही पढ़ना है, भू राजस्व जिसमें 3 थे, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक, ये समझिए क्या होता था, ये क्या होता था, ये क्या होता था, अब जो बताए थे उसको आप लिखित रूप में बहुत विधिवत रूप से एक बार देखिए। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक, अस्थाई बंदोबस्त ध्यान दीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक, अस्थाई बंदोबस्त वो था जो समझिए कि जिसपे भूमि का भू राजस्व था वो निर्धारित कर दिया जाता था, पहले 10 वर्ष के लिए किया गया था फिर वो अस्थाई कर दिया गया था, जो समझिए कि उसका कोई सीमा नहीं थी, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पे था, तो ये समझिए कि 19% भाग पे ये बंदोबस्त था, सबसे कम एरिया पे अस्थाई बंदोबस्त था। तो समझिए कि इसका भूमि का स्वामी कौन होता था, नोट करिएगा, भूमि का स्वामी, भूमि स्वामी कौन होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भूमि का स्वामी किसको मानती थी, तो समझिए कि जमींदारों को, जमींदार भूमि स्वामी कौन थे, जमींदार थे, इसलिए इस प्रथा को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था, देखिए जमींदारी व्यवस्था, भूमि का स्वामी कौन है, समझिए कि जमींदार होते थे, ठीक, किसान नहीं थे। ध्यान दीजिएगा जो समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी है और इनके मध्य समझिए कि किसान इनके अंडर होते थे, किसानों से कर वसूल करके जमींदार, अब समझिए कि ईस्ट जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाते थे यानी मध्यस्थता का काम करते थे। ठीक, इस व्यवस्था को इस्तमदारी इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इजारेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसके संस्थापक कौन है, अस्थाई बंदोबस्त के, अस्थाई बंदोबस्त के संस्थापक कौन है, ध्यान दीजिएगा संस्थापक कौन है, कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस इनके संस्थापक हैं, लेकिन सहयोग जॉन शोर ने इनका सहयोग किया था, किसका, कार्नवालिस साहब का, जॉन शोर ने सहयोग किया था। ठीक, आइए देखते हैं जो रिपोर्ट दिया था इस आधार पे सर्वप्रथम 90 में 10 वर्षों के लिए लागू किया गया और 22 मार्च 93 ईस्वी में 1793 ईस्वी में अस्थाई आधार पर 10 वर्षीय प्रबंधन कर दिया गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए अस्थाई आधार पर इसको 10 वर्षीय प्रबंधन कर दिया गया। इस व्यवस्था में ध्यान दीजिएगा जमींदार जो कर वसूलेंगे, ठीक, जमींदार ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये जमींदार हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा जमींदार यहां से समझिए कि 100 रुपया वसूल लिए, ठीक, 100 रुपये वसूल लिए, तो 100 रुपये में जमींदार अपने पास 11% रखते थे और समझिए कंपनी को 89% देते थे, यानी कि 10/11 भाग कंपनी को जाता था और 1/11 भाग जमींदार रखते थे, आया समझ में, सबसे ज्यादा इसी में था। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक, अब देखिए इस व्यवस्था में 10/11 भाग सरकार को यानी कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था और 1/11 भाग जमींदार
निश्चित कर दिया गया, जमींदार अपने पास रखता था, ठीक, किससे वसूल करके, किसानों से। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ किस स्थान पे चली, ध्यान दीजिएगा स्थान, यह व्यवस्था कहाँ कहाँ चलती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस, ध्यान दीजिएगा बनारस, बनारस सहित ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया, जो समझिए तीनों बंदोबस्त में सबसे कम एरिया में था। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त कितने एरिया पे था, तो 19% क्षेत्र पे था। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त के उचित क्रियान्वयन के लिए समझिए कि एक सूर्यास्त कानून लाया गया। सूर्यास्त कानून समझिए कि कब लाया जाता है, 1794 ईस्वी में 1793 अधिनियम द्वारा लाया जाता है, जो समझिए किसी समय 1893 ईस्वी में कार्नवालिस साहब कार्नवालिस संहिता भी लाते हैं एक कानून के रूप में। तो उस कानून, उस समझिए कि संहिता द्वारा सूर्यास्त कानून एक होता था। इसका मतलब ये था कि सूर्य ढलने से पहले जमींदार समझिए कुछ ना तो कुछ भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करते थे, अगर नहीं जमा करते तो उनको वहां से हटा दिया जाता था, उस पर दूसरे को फिर नियुक्त किया जाता था। अंत यह व्यवस्था समाप्त हो गई, और समझिए कि समाप्त होने के बाद किसान इनसे बहुत रुष्ट थे, होने के बाद फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू होती है। आइए देखते हैं सूर्यास्त कानून, जिसमें जमींदारों को वर्ष के अंत में एक निश्चित तिथि से सूर्यास्त से पूर्व वसूला गया लगान अंग्रेजी खजाने में जमा करना होगा। ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं बार बार इसको, कि सूर्यास्त कानून ये था कि जो हम मान लीजिए जमींदार हैं, जमींदार हैं, और जो किसानों से वसूल करके हम अपने पास रखे हैं, तो उसको एक निश्चित डेट मिलता था कि इस डेट को आप समझिए जमा करिए, उस डेट के कब तक, उस शाम तक, सूर्य ढलने से पहले तक। तो इसी को सूर्यास्त कानून, यानी सूर्यास्त कानून का संबंध रैयत व अस्थाई बंदोबस्त से है। ठीक, अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त समाप्त, अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी, ये भी भू राजस्व व्यवस्था है। ठीक, ये समझिए कि ये इसका जो इसका समझिए कि जो अस्थाई रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक, भूमि स्वामी कौन होता था, ध्यान दीजिएगा, भूमि स्वामी यानी भूमि का मालिक कौन था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूमि का स्वामी किसान हो गए। ठीक, किसान हो गए, अब जमींदार हट गए यहाँ से, क्यों, क्योंकि रैयत यानी किसान डायरेक्ट कहते थे कि हम समझिए सिर्फ महारानी के रैयत हैं, महारानी के सेवक हैं, महारानी के कहने पर हम जो करेंगे, तो हम बीच में किसी को कर नहीं दे सकते, हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी को, महारानी को ही कर देंगे। यानी कि अब समझिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रशासन और किसान के मध्य डायरेक्ट सेटलमेंट हो गया। ठीक, डायरेक्ट सेटलमेंट हो गया। अब समझिए स्वामी, अब समझिए कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पे जान लीजिए, 51% भूमि पर यह व्यवस्था स्थापित थी, जो समस्त बंदोबस्त का सर्वाधिक क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, जो बंदोबस्त का सर्वाधिक क्षेत्र था। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 51% भाग पे एक होता था, जो समझिए कि अस्थाई बंदोबस्त मात्र 19% क्षेत्र पे था, ये कितने क्षेत्र पे था, 51% भूभाग पे होता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राजस्व का बंदोबस्त सीधे किसानों से लिया जाता था, ध्यान दीजिए, सीधे किसानों से लिया जाता था राजस्व। ठीक, किसानों की ही भूमि का वास्तविक मालिक, यानी कि भूमि का स्वामी, आपसे बता चुके, भूमि का मालिक स्वामी कहिए या मालिक कहिए या समझिए कि ऑनर कहिए, समझिए कि भूमि का स्वामी किसको बनाया गया था, तो किसान को बनाया गया। देखिए वही है, भूमि का वास्तविक मालिक बनाया गया किसको, किसानों को, भूमि का वास्तविक मालिक बनाया गया। और 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम यह व्यवस्था बारामहल जिले के कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा,
इसके संस्थापक कौन है? किसके? इसी के संस्थापक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, संस्थापक कर्नल रीड हैं, कर्नल रीड, ठीक। किसके संस्थापक? रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक कौन है? कैप्टन कर्नल रीड। और इनके सहयोगी एक हैं, सहयोगी कौन है? कैप्टन मुनरो, इनके सहयोगी हैं। ध्यान दीजिएगा, संस्थापक इनके ये हैं। संस्थापक से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? तो बारामहल में लागू हुआ था, मद्रास में लागू हुआ था। जिले के, जिले बारामहल जिले के कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था, यानी कि संस्थापक कौन है? कर्नल रीड, ठीक। और थॉमस मुनरो, ठीक, जो जो थे थॉमस मुनरो थे, थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के गवर्नर नियुक्त होने पर संपूर्ण मद्रास में व्यवस्था लागू हो गई। ध्यान दीजिएगा, मद्रास कर्नाटक में यह व्यवस्था थी, कौन? रैयतवाड़ी, बताए थे ना जब शुरू में ही बताए थे आप, आपको जब शुरू में बताए थे आपको, ये जाल वाला जो एरिया है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी, ये जो था अस्थाई वाला है, ठीक। और ये जो है महलवाड़ी है, पंजाब हुआ, अवध हुआ, आगरा हुआ, मिला के महलवाड़ी है, ठीक। आइए, मद्रास में भी ये था, ठीक। यह व्यवस्था क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ था, मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, कर्नाटक के कुर्ग में यह व्यवस्था लागू थी। क्योंकि देखिए इससे जो क्वेश्चन आता है वो सब पार्ट कितने एरिया पे हैं, सर्वाधिक एरिया पे है, इसके संस्थापक कौन है? कैप्टन रीड हैं और थॉमस मुनरो हैं। और फिर कहाँ कहाँ है, मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम, उत्तरी असम है और कुर्ग, कर्नाटक का थोड़ा भाग है, ठीक। अब देखिए, इस व्यवस्था में किसानों की उपज का आधा, आपसे बताए थे ना, उपज जो जहां सबसे अच्छी फसल होगी 40%, जहां खराब होगी, जहां अच्छी होगी वहां पे 60%, जहां खराब होगी वहां पे 40%, लेकिन जो था जो इसका रेशियो औसत है वो 50%, आधा वोट कर राजस्व वसूला जाता था, वो भी नगद रूप में, अनाज लेकर के नहीं। अनाज समझिए कि किसान अनाज देकर, वो कंपनी अनाज देकर लगेगी, करेगी क्या? अब ध्यान दीजिए, जब नगद कर वसूलने जाने लगा, ठीक, तो किसान क्या थे, क्योंकि डायरेक्ट संबंध थे इनसे, महारानी से, मतलब सरकार से, तो किसान क्या कहें, जब हमको नगद देना है तो हम गेहूँ चावल की कृषि ना करके हम समझिए नगदी फसल की कृषि करें, नगदी फसल बोएं। तो जूट बोते थे, समझिए कि कपास बोते थे, तो उसमें क्या होता था कि इनको भी मिल जाता था उतने मेहनत में, किसान को भी मिल जाता था और समझिए कि यहाँ पे शासन को भी मिल जाता था। लेकिन जब सिर्फ समझिए कि नकदी फसल बोने जाने लगे, तो समझिए कि इसी दौर में दक्षिण भारत में मद्रास में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जो ये समझिए कि बहुत बड़ा कारण है ये, ठीक। तो ये व्यवस्था फिर एक समाप्त हो जाती है, फिर अगली व्यवस्था आती है महलवाड़ी, ठीक। राजस्व के रूप में देना होता था, लेकिन ध्यान दीजिएगा नगद रूप में, लगान अदायगी न होने पे भूमि जब्त कर ली जाती थी, तो जायज सी बात है। आज भी देखिए, अगर आप टैक्स ना दीजिए तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। ये समझिए 51% सर्वाधिक, समझिए मैक्सिमम एरिया पे था, मैक्सिमम एरिया पे, ठीक, ये था। अब देखिए जो तीसरी व्यवस्था है, महलवाड़ी व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, तीसरी व्यवस्था जो है महलवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था में लगान, ध्यान दीजिएगा, सामूहिक ग्राम, सामूहिक उत्तरदायी ग्रामों, गांव को दिया गया था। इसका जो भूमि स्वामी था, किसका? महलवाड़ी का जो भूमि स्वामी था वो समस्त गांव थे, समस्त गांव, गांव के लोग ही इसके वो थे। क्षेत्र कहाँ था? पंजाब था, अवध था, आगरा था। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक समझिए कि जो उत्तर भारत के बताए थे ना, उत्तर भारत में समझिए कि जिनको उत्तर भारत में जो मार्टिन बर्ड साहब हैं, ध्यान दीजिएगा, मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत के, उत्तर भारत में इनको कृषि के जनक कहा जाता है, ठीक। किसको? मार्टिन बर्ड को, ठीक। आइए देखते हैं, ठीक, इसको महल, महल का तात्पर्य होता है गांव का समूह। इसका जो मुखिया होता था,
मतलब महलवाड़ी पद्धति का, महलवाड़ी बंदोबस्त का, तो जो गांव समूह होता था इसका मुखिया होता था, यही क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अब समझिए कि व्यवस्था 1719-20 में हाल्ट मैकेंजी, नाम याद रखिएगा, हाल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में सर्वप्रथम यह व्यवस्था लागू किया गया था। आपसे बताए थे ना जब कि यहाँ पे है ठीक महलवाड़ी, तो सबसे पहले पंजाब में यह व्यवस्था लागू किया गया था, किसके द्वारा, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। और समझिए आगे चल करके मार्टिन बर्ड इनसे जुड़ते हैं और ये व्यवस्थित रूप से व्यवस्था लागू करते हैं, इसलिए इनको समझिए मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में कृषि का जनक कहा जाता है। ठीक, यह व्यवस्था पंजाब संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ठीक, संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत आगरा सहित तक ब्रिटिश भारत के मतलब भारत के 30% एरिया पे था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 30% क्षेत्र पे कृषि होता था, 19%, 51% और 30%, ठीक, इस पे क्या होता था, अस्थाई था, ये रैयतवाड़ी था, ये महलवाड़ी था, महलवाड़ी व्यवस्था था, ठीक, अस्थाई रैयत वाली वाड़ी और महलवाड़ी। तो ये ध्यान दीजिए कि सबसे कम अस्थाई था, सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी था, फिर उससे ज़्यादा महलवाड़ी था, ठीक। आइए, इस व्यवस्था में लगान की सर्वाधिक व्यवस्था, समझिए कि इसका बहुत वो नहीं है लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया गया। आपसे बताया था यही मानचित्र तैयार करने वाले हैं मार्टिन बर्ड। मानचित्रों का प्रयोग किया गया और पंजियों का प्रयोग किया गया, ठीक ना, पंजियों मतलब ये माना जाता है इनको कि ये समझिए कि मानचित्र एक तैयार करते हैं और उसी आधार पे भू सर्वे, समझिए कि भू राजस्व वसूला जाता था, और समझिए कि इसी कारण से मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में कृषि के जन्मदाता कहा जाता है। तालुकदारी व्यवस्था क्या थी, बस इसमें जान लीजिए तालुकदारी व्यवस्था क्या थी, एक गांव नहीं कई गांव मिलकर के एक तालुक के अंदर आते हैं और उस तालुक के जो मुखिया होते हैं उसको तालुकदार कहा जाता है। तो इसको छोटा मत समझिए, इसमें कहीं कहीं तो समझिए कि 100 गांव आते थे एक तालुकदार में, ठीक। तो ये व्यवस्था थी, यह व्यवस्था अवध क्षेत्र में तालुकदारों के साथ की गई थी। इसमें तालुकदार कई गांवों के राजस्व का संग्रह करता था, ध्यान दीजिए बताए ना कई गांवों के। आप जैसे पुरानी मूवी देखिए उसमें, जैसे एक मूवी कई मूवियां हैं तो उसमें समझिए कि जैसे सूर्यवंशम है वो देखिए, तो जो उसमें अमिताभ बच्चन होते हैं वो यही तालुकदार का उसमें वर्णन बहुत किया, कई बार समझिए कि तालुकदार पे अपना सत्ता स्थापित करने के लिए कई बार उसमें समझिए कि वो होता है युद्ध होता है दोनों लोगों में, तो उसमें समझिए कि आप देखिए तो वही तालुकदार समझिए कि ये होता था कि समझिए कि कई गांव मिल करके एक तालुक बनता था, तो उस तालुक के मुखिया को तालुकदार कहा जाता था। इस व्यवस्था में तालुकदार का भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं था, ध्यान दीजिएगा भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं था तालुकदार का, लेकिन अधिकार कहाँ था, गाँव पे, जो गाँव थे उन पर अधिकार था, ठीक। अब देखिए मालगुजारी व्यवस्था भी समझिए कि एक व्यवस्था वह है जो समझिए कि ये 1761 में संयुक्त प्रांत में लाया गया था, ठीक। भू राजस्व के समझिए कि जो अब तक भू राजस्व बताए हैं उसके परिणाम और दुष्परिणाम क्या हैं, ठीक। भूमि जो है हस्तांतरणी बन गई, इसका मतलब ये है कि हम जमींदार हैं अस्थाई बंदोबस्त में, हम कर अच्छी से नहीं वसूल रहे हैं, तो सामने मोहन को राकेश को किसी को भी हमसे छीन करके भूमि उनको हस्तांतरित कर दी जाती थी और समझिए कि हमको वहाँ से हटा दिया जाता था, ठीक। भूमि को पूंजी विनिमय के साधन बना दिया गया, भूमि को यानी पूंजी का विनिमय बना, नहीं क्रय विक्रय भी होने लगा, किसानों पर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि समझिए कि अगर अकाल पड़े या कुछ पड़े आपको टैक्स देना ही देना है, तो समझिए कि इस वजह से समझिए ये हो गया, ठीक। अब आइए जो तीसरा उसमें का बताए थे, प्रशासनिक तो बताएंगे, अब तीसरा बताए थे आर्थिक प्रशासनिक और सामाजिक सुधार में देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम कौन सा बता रहे हैं, आपसे बताए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी का जब तक शासन रहता है तब तक वाला हम बता रहे हैं, यानी कि 1857 से
पूर्व वाला भाग हम बता रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्व वाला भाग बता रहे हैं, बाद वाला हम नहीं अभी बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए कि सामाजिक धार्मिक सुधार में आंदोलन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें, समझिए कि एक बार आप जान लीजिए, समझिए कि जैसे जैसे भारत में किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, चाहे धर्म हो, चाहे ईसाई हो, अगर उस धर्म में समझिए आडंबरा बढ़ती गई, कुरीतियाँ बढ़ती गई, तो उसको सही करने के लिए जो व्यक्ति एक नए आंदोलन की शुरुआत करता है, सबसे झगड़ा करके, सबसे समझिए कि विरोध, सबका विरोध करके, तो वो समझिए कि उस वो व्यक्ति जो नया धार्मिक आंदोलन शुरू करता है, तो वो समझिए कि बहुत महान होता है, ठीक। कुरीतियों का समाप्त करने वाला, जैसे कुरीतियाँ क्या थी कि जैसे राजा राम मोहन राय थे, ठीक, राजा राम मोहन राय थे, सती प्रथा, ब्रह्म समाज, ये भी तो कुरीतियाँ थी, सती प्रथा भी कुरीतियाँ ही थी, क्योंकि समझिए कि उस स्त्री को जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता था अगर वो विधवा है तो। फिर उसके बाद शादी, 14 वर्ष की उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, ये भी समझिए आपको पढ़ना है। शारदा एक्ट आता है, समझिए कि विवाह, समझिए विवाह हुआ, समाज हुआ, पूजा हुआ, मंदिर हुआ, ये सब समझिए कि धार्मिक सुधार में ही पढ़ने हैं, ठीक। आइए देखते हैं, 19वीं सदी भारत में नवजागरण के काल माना जाता है, और इस नवजागरण के पिता राजा राम मोहन राय ही हैं, इनके अलावा किसी को मत लगाइएगा। अगर पूछ दे भारत में नवजागरण के पिता कौन है, नवजागरण का काल जो है इनके पिता कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं। इस समय भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियां, टोना टटका, कम विवाह में शादी, बलि, मतलब होता है ना कि अभी बलि चढ़ाया जाता था बच्चों का, बच्चियों का, ठीक, आडंबर, जैसे ये माना जाता है कि आप एक काम करिए नहीं तो ईश्वर आपको श्राप दे देंगे, आप मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बहुत, समझिए कि अभी भी इतना करने के बाद अभी भी समझिए कि कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा समाज में हैं, अभी भी समाज में बहुत कुरीतियाँ हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे पारसी हो, कोई भी धर्म हो, ठीक, कुरीतियाँ भी बहुत है, ठीक। आडंबरों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हुआ, इस आंदोलन में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डीके करवे एवं जस्टिस रानाडे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर पूछ दे इस आंदोलन के पिता कौन हैं, तो इस आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय ही हैं, ठीक, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में जान लीजिए, इनको समझिए कि राजा की उपाधि बताए थे आपसे, अकबर द्वितीय दिए थे, और समझिए ये क्या चलाते हैं, ये समझिए सती प्रथा और ब्रह्म समाज जैसे दो धार्मिक आंदोलन चलाते हैं, सामाजिक आंदोलन चलाते हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या है, ये क्या गए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम चलाते हैं, विश्व ये जो पारित होता है 1856 ईस्वी में, और डी के करवे क्या कराते हैं, डी के करवे साहब क्या हैं, ये भी विधवा से संबंधित, विधवा विवाह से संबंधित हैं, विधवा विवाह, विधवा को प्रोत्साहन करने के लिए, उनके लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। और रनाडे क्या है, रनाडे को समझिए कि दक्षिण भारत का सुकरात कहा जाता है, दक्षिण भारत का सुकरात कहा जाता है, ये भी समझिए कि सामाजिक आंदोलन में बहुत बड़े भाग मतलब व्यक्ति हैं, जस्टिस रनाडे, ठीक। और आइए देखते हैं सती प्रथा, ठीक, सती प्रथा को एक बार आप इतिहास में जाइए, प्राचीन भारत काल में जाइए, सती प्रथा का अगर पूछ दे कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सती प्रथा जो हम जानते हैं, जो मतलब प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा के बारे में कब हम जाने थे, हम का तात्पर्य आप लोग जैसे कोई भी मतलब समाज को, हम मतलब समाज को कब पता चलता है कि सती प्रथा नामक एक कुरीति परंपरा भी, आडंबर भी भारतीय समाज में है, ठीक। तो गुप्त काल के भानुगुप्त के 510 का एक लेख है, उस लेख का नाम एरड़ लेख है, ठीक, एंशियंट में मतलब गुप्त काल में 510 के एरड़ लेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख है। आपसे बताए थे जब अल्बुकर्क पढ़ा रहे थे, पुर्तगाली बताए थे, तो वो भी समझिए सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाए थे अल्बुकर्क, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो समझिए कि जब राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग जो हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं और भारत के प्रथम क्या
प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। ठीक, ये हम जब गवर्नर जनरल बताएंगे तो सब हम बहुत विधिवत रूप से बता देंगे आपको, लेकिन यह है कि अभी समझिए कि ये भी वो टाइम है। इनके कार्यकाल में 1829 ईस्वी में सती प्रथा अधिनियम पारित किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सती प्रथा अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया, तो समझिए कि विलियम बैंटिंग के कार्यकाल में 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से पारित किया गया। ठीक, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से पारित किया गया, लेकिन प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पे है, भानुगुप्त के 510 के एरण लेख में है, समझिए कि। ठीक, अब आइए, यह अधिनियम जो सती प्रथा अधिनियम है, धारा 17 के अधीन इस अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया गया। ध्यान दीजिए, अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि अगर अब कोई किसी भी महिला को विधवा होने पे सती होने के लिए मजबूर करेगा तो उस पे समझिए कि कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख, साक्ष्य अभिलेख गुप्तकालीन एरण अभिलेख में मिलता है, जो भानुगुप्त का है, जो भानुगुप्त का है, 510 का, 510 ईस्वी का जो लेख है वो भानुगुप्त का है। अब ध्यान दीजिएगा, दास प्रथा। ठीक, दास प्रथा, अब इतना आप जानिए कि दास प्रथा जो एकाएक यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राचीन काल से चल रहा है दास प्रथा। ठीक, प्राचीन काल में थोड़ा समझाते हैं, जो समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज आते हैं, तो ये क्या कहते हैं, भारत में तो दास ही नहीं है, ये कहते हैं भारत में किसी भी प्रकार के दास नहीं है। अब ये ना पता है किस चश्मे से देखते हैं कि इनको भारत में दास नहीं नजर आते हैं। ठीक, इंडिका इनकी रचना है, इंडिका, इंडिका में समझिए कि ये लिखे हैं कि भारत में कोई दास नहीं है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, और अर्थशास्त्र में लिखा गया है, सात प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। नारद स्मृति में समझिए कि सबसे पहले दासों के मुक्त की बात की गई है। अब समझिए, जो दास प्रथा 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति कर दी। ठीक, 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति कर दी। ठीक, अब देखिए हम आधुनिक काल में आते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन की बात की गई, परंतु इनका अंत लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में 1843 ईस्वी में समाप्त होता है। ठीक, एलनबरो के कार्यकाल में 1843 ईस्वी में दासों की मुक्ति होती है, दास प्रथा समाप्त कर दिया जाता है, ये अवैध घोषित कर दिया गया कब। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, दास प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था, कब हुआ था, तो 1843 ईस्वी में दासों का हुआ था। ठीक, अब ध्यान दीजिए, किस अधिनियम द्वारा हुआ था, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हुआ था। ठीक, अब आइए ठगी प्रथा, ठगी प्रथा भी बहुत होता। ठीक, क्यों, क्योंकि अभी भी समझिए ठगी प्रथा लोग, अब पहले क्या था, पहले डायरेक्ट लोग ठगी का शिकार होते थे, अब क्या है कि समझिए कि ऑनलाइन लोग ठगी का शिकार होते हैं, बहुत आसानी से लोग करते भी हैं, बहुत आसानी से होते भी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ठगी प्रथा क्या था, विलियम बैंटिंग के कार्यकाल में एक व्यक्ति था जिसको इसको समाप्त करने के लिए किया गया, तो समझिए कि स्लीमन ने समझिए कि ठगी प्रथा, कर्नल एलिमन नहीं, स्लीमन है, ध्यान दीजिएगा, स्लीमन ने ठगी प्रथा की समाप्ति कर दी। ठीक, ठगी प्रथा की समाप्ति कौन किया था, कि समझिए स्लीमन, किसके कार्यकाल में, इसमें गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो विलियम बैंटिंग के समय में। ठीक, ठगी प्रथा। अब देखिए नरबलि, अभी आप देखिए पेपर में आप पढ़ते होंगे कि नरबलि, छोटे छोटे बच्चों को लोग बलि चढ़ा देते थे, अभी हाल ही पेपर में आया था कि समझिए कि पड़ोसी थे, बच्चों को समझिए मार करके, उनको समझिए कि खाने खा करके वो खाए उसको, और समझिए कि ना पता कितनी समझिए घिनौनी हरकत थी नरबलि, आज भी समझिए है कि समझिए कि ये था कि हम ये कर देंगे तो हमें पुष्टि मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि समझिए कि आज के लोग जैसे ठगी के शिकार होते हैं, किसी के रूप में भी ठगी के शिकार होते हैं, तो ये नरबलि था कि बच्चे को हत्या करने की जाती थी। ठीक, किसके लिए, कि आप अपने बच्चे की हत्या करिए, किसी बच्चे की हत्या करिए तो आपको
सुख की प्राप्ति होगी, आपका काम आसान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये समझिए आज भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी पेपर पढ़िए तो आए दिन पेपर में लिखा रहता है कि वो इसी की किसी को बेटे की हत्या हो गई, कोई पड़ोसी ने किसी की बलि हत्या कर दी। किसके? वो समझिए कि धार्मिक कर्मकांडों की वजह से होती है। कोई धार्मिक बहुत जानकार है तो वो कहता है कि आप इनकी हत्या करके वो करिए। अब ध्यान दीजिए नर बलि का अंत कब होता है, ठीक? ध्यान दीजिएगा, नर बलि अगर आप बहुत हार्ड हैं, बहुत कठोर हैं, तो आप नर बलि करेंगे, बहुत कठोर हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्यों हम बता रहे हैं आपको, एक ट्रिक बता रहे हैं। हार्डिंग ने नर बलि की समाप्ति कर दिया, इतना कठोरता के साथ हार्डिंग ने नर बलि की समाप्ति कर दिया। कब? 1845-46 ईस्वी में नर बलि प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? हार्डिंग द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। हार्डिंग जो थे भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, ठीक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अब ध्यान दीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था, यहाँ से बहुत क्वेश्चन हमेशा आता रहता है विधवा विवाह पुनर्अधिनियम से। यहाँ समझिए ऐसे क्वेश्चन आता है, ये कब पारित हुआ था, इसके नेता कब थे, और समझिए क्या क्या हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक। इसमें देखिए सबसे बड़े व्यक्ति ईश्वर चंद विद्यासागर, ध्यान दीजिएगा कि प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, ठीक, पारित किया गया। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ये था कि विधवा विवाह नहीं कर सकती हैं उनको, क्यों? क्योंकि सती प्रथा था, उनको मरना ही मरना है, इसलिए स्त्री दशा बहुत दयनीय थी और आज भी है। तो समझिए कि हे दृष्टि से लोग देखते हैं, लेकिन ये था कि विधवा पुनर्विवाह अब जो हो रहा है, समझिए इसी ईश्वर चंद विद्यासागर की देन है, ठीक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये समझिए कि पारित होता है 1856 के अधिनियम में, लेकिन ध्यान दीजिएगा डलहौजी के कार्यकाल में ये पुष्टि होता है कि आप ये मतलब कैबिनेट में भेजा जाता है क्या, विधवा पुनर्विवाह, लेकिन पारित कौन करता है, अधिनियम पे मुहर कौन लगाता है, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान दीजिएगा कैनिंग इस पे मुहर लगवाते हैं, ठीक। अब यानी कि अब विधवा भी विवाह कर सकती हैं, ठीक। अब देखिए विधवा पुनर्विवाह की अनुमति मिल गई, यानी कि समझिए कि स्त्रियों की दशा में सुधार आया। अब देखिए महिला शिक्षा के प्रयास के लिए डी के कर्वे बताए थे आपको, सबसे पहले मद्रास में एक मदरसा खोला गया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा मदरसा खोला गया था, मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी उसमें, ठीक। इसमें देखिए महिला की शिक्षा की बात हो रही है, स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास ईसाई मिशनरी ने किया था, 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा और 1849 में बेथुम ने एक स्कूल की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले महिला विद्यालय विश्वविद्यालय की बात नहीं करें, महिला विद्यालय की स्थापना किसने किया था, जे ई डी बेथुम साहब किए थे, कब? 1849 ईस्वी में, ठीक। बेथुम साहब ने एक महिला स्कूल की स्थापना करते हैं, ठीक। अब स्त्री शिक्षा में ईश्वरचंद विद्यासागर का प्रयास है, लेकिन ये जानिए कि सबसे पहले जब अधिनियम में जोड़ा गया तो किस एक्ट के द्वारा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा गया, चार्ल्स वुड डिस्पैच में स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। पहली बार अधिनियम बनता है स्त्रियों की शिक्षा के लिए, बालिकों की शिक्षा के लिए, मतलब महिला शिक्षा के लिए सबसे पहले जोर दिया गया, ठीक। अब समझिए जस्टिस रानाडे साहब, जिसको दक्षिण भारत का सुकरात कहा जाता है, ये क्या थे, महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने की डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक। डक्कन, ये सब हम आपको बताएंगे, सब सोसाइटी जितना हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको। देखिए एक महिला मतलब क्या है, सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के लिए जो कुरीतियाँ उनके बारे में बता रहे हैं 1857 के पहले, ठीक, 1857 के पहले। लेकिन अभी हमको सब बताना है, डक्कन एजुकेशन बताना है, चार्ल्स वुड डिस्पैच बताना है, सती प्रथा बताना है, ब्रह्म समाज बताना है, सब बताना है, ठीक। अब डी के कर्वे साहब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। ध्यान दीजिएगा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में ये करते हैं, कौन, यही करते हैं, ठीक। बाल विवाह नियंत्रण,
अब ध्यान दीजिए, बाल विवाह नियंत्रण क्या था कि ये माना जाता था कि इससे कम एज में विवाह करेंगे तो आप जेल जाएंगे। आज भी है कि अगर उस एज से समझिए कि 18 वर्ष से कम फीमेल और 21 वर्ष से कम मेल की विवाह होता है तो समझिए कि जेल जाना ही है। ठीक, बाल विवाह रोक लगाने के उद्देश्य से नेटिव मैरिज एक्ट केशव सेन के प्रयास से ठीक पास किया गया और 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह वर्जित कर दिया गया। लेकिन अब जब इसको हम पढ़ाएंगे, समाज बताएंगे, पूर्ण रूप से जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे क्या होता है। जब जो एक्ट लगाता है वो खुद ही अपनी पुत्री की विवाह, 12 वर्ष की पुत्री की विवाह, समझिए कि उससे समझिए कि दोगुने आयु के व्यक्ति कर देते हैं। इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, अब समझिए वी एस मालवारी के प्रयासों से 1891 ईस्वी में, ये डायरेक्ट पूछ दे इन मालवारी का संबंध किससे है तो विवाह से संबंधित है। ठीक, सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। इसमें क्या था कि बालिकाओं की आयु 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब 12 वर्ष से कम। अब देखिए इसमें आपको पकड़ना क्या है, अगर पूछ दे मालवारी, बीएस मालवारी किसके लिए बहुत ज़्यादा बल दिए थे तो बाल विवाह के लिए, महिला के बाल विवाह के लिए ज़्यादा बल दिए थे। ठीक, हर विलास शारदा, ये समझिए 30 में आता है, इसमें समझिए क्या किया जाता है इस एक्ट के अनुसार, ये समझिए कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम आपको अभी बताएंगे, जब वो आगे पढ़ाएंगे सब बताएंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें बताया गया इसमें पुरुष की शादी 18 वर्ष और महिला की शादी 14 वर्ष अगर हैं तो विवाह की अनुमति थी, नहीं तो उन पर रोक लगा दिया जाता था, प्रतिबंध लगा दिया जाता था। अगर 14 वर्ष की नहीं है तो विवाह वर्जित है। ठीक, अब स्वतंत्रता के पश्चात 1778 ईस्वी में बाल विवाह निरोध अधिनियम बना। ठीक, अब समझिए कि 21 वर्ष और 18 वर्ष है। ठीक, ये तो समझिए एक भारतीय संविधान में आप पढ़ेंगे ही। ठीक ना, अब समझिए कि आज तो यहीं तक है, जो अगला क्लास चलेगा समझिए कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन, यही जो था सामाजिक धार्मिक आंदोलन, और समझिए कि फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह। ठीक, वो बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण का चैप्टर है, और समझिए कि यहाँ भी समझिए आपका बेस पूरा तैयार हो गया और समझिए कि आप पूर्ण रूप से पढ़ भी लिए। ठीक, तो आज यहीं पे ये क्लास समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।